Radio News Network. Expect the unexpected. Follow us on Facebook.com/Radio News Network. धर्मराजिका का इसकी हिस्ट्री ये है कि जब महात्मा बुद्ध ने वफ़ात पाई 5वीं सदी क़ब्ल मसीह में, तो उसकी अर्थियों पर, राख पर, उनके बाक़ियात पर झगड़ा हो गया मुख्तलिफ़ राज्यों में। फिर आखिर बेरा का फ़ैसला ये हुआ कि 8 उसके जो हैं हिस्से करके हिंदुस्तान के 8 राज्य अपने अपने इलाकों में ले गए, वहाँ उन्होंने स्तूपे बनवाए। ये तकरीबन 5वीं सदी क़ब्ल मसीह की बात है। फिर जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की बुनियाद रखी ख़ानदान की, तो उसके बाद 298 BC में उसने वफ़ात पाई। वफ़ात नहीं, उसने हुक्मरानी छोड़ दी 1 साल के बाद। फिर उसका बेटा बिंदुसार बना। बिंदुसार के बाद अशोक कुमार बना उसका बेटा। तो वो उसने भाइयों के साथ लड़ते लड़ते 269 BC के करीब उसकी ताजपोशी हुई। फिर वो भाइयों को, जैसे होता है, कत्ल करने के बाद वो तख्त पर बैठा। तो उसने अगले 9 साल बड़ी कुछ तो खून किया, जिसमें बड़ी जंगें उसने लड़ी। कलिंगा की जंग बड़ी खूनरेज़ी की जंग है। सो नतीजा ये निकला कि वो आखिर इन खूनरेज़ी से तंग आकर उसने तर्क कर दी और बुद्ध मत का पैरोकार बन गया, गालिबन अपनी साल हुक्मरानी के 11वें साल। सो फिर वो उसने क्या किया, जब वो बुद्ध बना तो उन 8 स्तूपों को उसने खुलवाया। उसमें से वो महात्मा बुद्ध के जो बाक़ियात थे उनको मज़ीद हिस्सों में तकसीम करके उसने पूरे हिंदुस्तान में, उस वक्त हिंदुस्तान में उसका वो ये कंधार और ये सारे इलाके, अफगानिस्तान के बेशतर इलाका भी उसकी सल्तनत में था। कैपिटल उसका था पाटलिपुत्र, जिसे आजकल पटना कहते हैं। सूबा बिहार का हिंदुस्तान का उसका कैपिटल है। वहाँ से बैठ के करता था। अपने बाप के ज़माने में वो यहाँ का गवर्नर भी रहा है, टैक्सला का। सो फिर उसने यहाँ एक स्तूपा बनवाया जिसमें महात्मा बुद्ध की बाक़ियात रखीं, और यहाँ से अंदर उसको उसने ये बेसिकली ये एक इबादत का है, और यहाँ इबादत का तरीक़ाकार इस स्तूपे में तवाफ़ करने का है। लोग घूमते हैं इसके उस ज़माने में। फिर जब सर जॉन मार्शल बने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल, तो उन्होंने जब ये खुदाइयाँ कराई तो उसमें से अब मुझे याद नहीं कि इस स्तूपे से या किसी और स्तूपे से एक चांदी की डिब्बियाँ निकली, और उसमें एक पत्रा था जिस पे लिखा हुआ था कि इस जगह का नाम ताक्षशिला है। तो उसकी वजह से अंग्रेज़ों ने इसे बिगाड़ कर गालिबन इसका पुराना नाम रेलवे स्टेशन था, मुझे याद ऐसा पड़ता है, रहमान ढेरी। तो उसने उसको काट कर टैक्सला लिख दिया सर जॉन मार्शल ने। तो उस एक्चुअली टैक्सला इस इलाके का ओरिजिनल नेम है बुद्ध के ज़माने का, जो वो अंग्रेज़ी प्रोनाउंसिएशन की वजह से गड़बड़ हो गया। अच्छा, यहाँ एक और मज़ेदार बात है कि यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के आपको स्टाइल मिलेंगे। ये आर्किटेक्चरल स्टाइल है, ये लार्ज टाइपर कहलाता है। इसमें बड़े बड़े पत्थर रख कर बीच के कतलियों में से भर देते हैं। अच्छा, एक और छोटा है डाइपर है, जो इसमें छोटे पत्थर मसलन जैसे वो है, वो स्मॉल डाइपर है। अच्छा, एक है सेमी आशलर है, उसके उधर एक सीधा रद्दा मैंने अभी उधर देखा है, वो सीधा रद्दा जो है ना वहाँ लगा कर फिर उसके ऊपर करते हैं। ये स्मॉल डाइपर इसके ऊपर करते हैं, और छोटा ये उसके ऊपर ये सीधा रद्दा आ गया, घड़ के रखते हैं बिल्कुल रुका। और फिर ये कंप्लीट आशलर मशीनरी है, वो ये है इसकी, ये जो ब्लैक रंग की नज़र आती है, इसके बिल्कुल पूरे पत्थर घड़ के रखते हैं। इसको 5-6 आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं जो आपको नजर आती है। पूरा का पूरा जैसे हमारी ईंट है, इसी तरह उसको हर पत्थर को घड़ कर रखा गया। तो जैसे यहाँ इनको पत्थर को घड़ कर नहीं रखा गया, ये लार्ज टाइपर कहलाता है स्टाइल। तो इस तरह से पूरा। अच्छा, दूसरा जो आजकल भी है वो है रेंडम रबल। जो मर्जी आए पत्थर रखते गए, जो मर्जी आए पत्थर रखते गए, जो मर्जी आए पत्थर रखते गए। वो भी आम इवन आज भी इधर गिर के मकामी लोग उस स्टाइल में तामीर करते हैं। वैसे ये बड़ा खूबसूरत नज़र आता है आपको। देखो ये लार्ज डाइपर में ये आसला है, बिल्कुल जैसे हमारी ईंट वाली, हमारी जो आम आजकल इस इमारतें बनती हैं उसे आशलर मेसेंसरी कहते हैं, ये भी आशलर में बनी हुई है। ये वोटो स्टूपा हैं या मन्नत, जैसे हम आज भी पीरू दरबारों में जाते हैं मन्नत मानते हैं, यहाँ भी जिसकी मन्नत माननी होती है वो आके स्टूपे, ये सारे छोटे छोटे जो आपको चौकोर नज़र आ रहे हैं ये सब के सब स्टूपे बने हुए हैं। किसी इनकी मन्नत पूरी हो गई, मुराद पूरी हो गई, उसने आकर यहाँ स्टूपे बनवाए। तो ये मेन स्टूपे के इर्द गिर्द हैं और ये उसके गिर्द तवाफ़ का है। यहाँ इबादत का तरीका तवाफ़ का था। ये धर्माराजिका, धर्माराजिका इसलिए कहते हैं कि महात्मा बुद्ध का टाइटल था धर्मराज, तो ये धर्मराज का स्टूपा है, धर्मराज बिन अशोक का स्टूपा। तो यहाँ फिर वो सर्कमम्बुलेंस या तवाफ़ का तरीका होता है यहाँ, तो वो इसके गिर्द है जो भी आया है इसको। तो ये भी उनका बेसिकली इबादत गाह है। बेसिकली टैक्सला जो है वो बुद्धिस्ट सेंटर, बहुत अहम बुद्धिस्ट सेंटर था और कम अज़ 5 सेंचुरी BC से लेकर 5 सेंचुरी AD तक, 5th सेंचुरी AD तक, 51,000 साल तक बहुत बड़ा अहम मरकज़ था। कैरवान आते थे, ट्रेड सेंटर था और सबसे अहम बड़ी बात उस ज़माने में यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटियाँ मशहूर थीं पूरे हिंदुस्तान में, एक टैक्सला यूनिवर्सिटी और एक नालंदा यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ इब्तदाई तालीम नहीं दी जाती थी और इनमें से यहाँ मुख्तलिफ स्कूल थे इस पूरे एरिया में, जिसमें से एक जौलिया में है अगर आप जाएँ तो वहाँ। और मुख्तलिफ किस्म की यानी इब्तदाई तालीम वो हासिल करके यहाँ आते थे और यहाँ इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद वो यहाँ आकर हायर एजुकेशन करते थे। मसलन यकीनन आपने सुना होगा 2 बड़े अजीम लोग जहाँ के थे, एक पानीनी है जिसने संस्कृत की ग्रामर लिखी और उसमें ग्रामर के ऐसे असूल तय किए, आज भी पूरी दुनिया में ग्रामीशन उसे पढ़े बगैर, अष्टाध्यायी को पढ़े बगैर वो ग्रामर नहीं कर सकता। आज भी उसके ज़बान के असूल जो पानिनी यहाँ टैक्सला में बैठकर जिसने तय किए और लिखी किताब संस्कृत की, मुमकिन है और भी हों मगर हम तक वही पहुँची, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उस संस्कृत की पहली ग्रामर की किताब है। दूसरा मशहूर ज़माना चाणक्य महाराज या कौटिल्य जिसे कहते हैं, उसकी बड़ी मशहूर किताब है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी वो आर्ट ऑफ गवर्नमेंट पर है, गवर्नमेंट कैसे की, अगरचे उसने बहुत सारा मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो उसने जब यहाँ अहमनाइड के महत्यात था ये इलाका 5वीं सदी क़ब्ल मसीह तक, तो उसने वहाँ से लिया। मगर आज बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अंग्रेज़ों ने अर्थशास्त्र से लिया, चाणक्य महाराज से, और उसके बाद इवन आज भी हमारा जो मौजूदा सिस्टम है, बहुत सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ख़ुसूसन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो वहीं कौटिल्य से या उसकी किताब, कौटिल्य भी कहते हैं उनको और चाणक्य भी कहते हैं, और अर्थशास्त्र वो। और बेसिकली अगर आप कहें चंद्रगुप्त मौर्य और उसका जो है मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर, बेसिकली ये चंद्रगुप्त का उस्ताद था। ये पाटलिपुत्र गया, वहाँ से वापस आया, चंद्रगुप्त को ले आया, उसने यहाँ उसकी ट्रेनिंग की। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर आज़म से भी मिला, उस वक्त वो छोटा बच्चा था, जब मिला तो जो ही सिकंदर आज़म गया वापस तो चाणक्य ने उसको खड़ा किया। उस पूरे इलाके में, पोठवार के इलाके में, उसने यूनानियों के ख़िलाफ़ बगावत अरेंज की और तमाम जो आउटलास थे सबको इकट्ठा किया और यहाँ से टैक्सला से और पूरे पंजाब से जहाँ तक सुतलज तक वो गया, उसके तमाम गुरुओं को उसने मार भगाया। उस्ताद ओदा भी बचा था। फिर उसके साथ उसने मगधा डायनेस्टी थी, मगधा के जो पाटलिपुत्र है पटना में, वहाँ उसमें मगधा हुकूमत थी, बहुत बड़ी हिंदुस्तान की हुकूमत थी, उस पर इन्होंने हमला किया और वहाँ जाकर उसने मगधा के जो था राजा, उसको उसने नंदा हुक्मरान, नंदा डायनेस्टी की थी, उसको उसने ख़त्म किया और मौर्य डायनेस्टी की बुनियाद रखी। और वो इसमें अगर कहें मौर्य ख़ानदान की बुनियाद रखने में और यहाँ से सिकंदर आज़म के यूनानी गवर्नरों को मार भगाने में अगर बड़ा अहम कंट्रीब्यूटर था तो वो यहाँ का उस्ताद था, प्रोफेसर था चाणक्य महाराज। तो ये सारा उस ज़माने से लेकर ये इल्म का बहुत बड़ा मरकज़ था। यूनिवर्सिटी यानी कि हिंदुस्तान के एक वक्त में, कहते हैं कि एक ज़माने में 102 शहजादे इसमें पढ़ते थे। अच्छा, यहाँ बेशुमार मालूम पढ़ाए जाते थे, इतिहास है, आर्चरी है, मिलिट्री साइंसेस है, वेदें थीं, मुख्तलिफ फ़लसफे थे और हिसाब किताब था, ज्योमेट्री था, संस्कृत और ग्रामर। तो आपको पता है, मैंने पहले बता चुका हूँ यहाँ के, तो उसने किताब लिखी और आज भी असूल ग्रामर के वही हैं आज जो अष्टाध्यायी में पनिनी लिख गया। पनिनी खुद तो मर्दान का था। ये सारे हैं। और उस ये टैक्सला की मशहूरी उसकी यही थी, ट्रेड सेंटर का तमाम काफिले यहाँ से गुजर कर आगे जाते थे हिंदुस्तान। और दूसरा एजुकेशन, ये जो आप छोटे छोटे रूम्स देख रहे हैं पूरे के पूरे इसके अंदर है, ये यहाँ है, वो है, वो है, वो है, पूरे के पूरे इसके इर्द गिर्द इसके हैं। ये देखें, ये देखें इसको, ये मेडिटेशन सेल है, क्योंकि मुराकबे में आके बैठा और मेडिटेशन की सामने बुद्धा के बाकियात हैं, क्योंकि सबसे मोहतरम और मुतबरक इसी पूरे इलाके में, गंधारा के पूरे इलाके में ये बड़ा मोहतरम और मुतबरक स्तूपा था, क्योंकि इसके अंदर महात्मा बुद्ध के अपने बाकियात मौजूद थे चांदी की डिब्बी में। तो इसलिए यहाँ सारे स्तूपे किसी मन्नत मानी वहाँ रखा, तो यहाँ ये यहाँ आके मंक आके भिक्षु आके बैठते थे, मेडिटेशन या मराकबा कहें वो करते थे यहाँ आकर बैठकर। सो एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शास्ता बेगम। तो शास्ता साहब, आप बताइए कि कब से आप ये मुझे 13 साल हो गए हैं यहाँ। अच्छा, अपने मियाँ की जगह हूँ। मेरे मियाँ की डेथ हो गई है ना, उनको ड्यूटी के दौरान में उनको कैंसर हुआ है जबड़े का। अच्छा, फिर यहाँ मैं काम करती हूँ। टेक्सला से ही? नहीं, मैं वाह कैंट के रहने वाली हूँ। अच्छा जी। तो इस स्टूपा पे आपकी क्या ड्यूटी होती है? ये बस देखभाल भी करती हूँ, काम भी करती हूँ, कोई आ जाता है तो उनको घुमा के ले आती हूँ बस। तो कैसा लगता है आपको ये काम? शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है मालिक का। बाकी भी काम कर रही होती हैं, जैसे आपने बताया अपनी जिम्मेदारी। ये सारी जिम्मेदारी मेरे अपने घर की है। यहाँ खेती बाड़ी भी साथ करती हूँ, रंबा भी चलाती हूँ, दातरी भी चलाती हूँ, काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं आपके साथ ठीक तरह से? जी, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है मालिक का, शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। आप जैसे लोग आते हैं, शुक्र है, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आपका। Radio News Network. Expect the unexpected. Follow us on Facebook.com/Radio News Network.